तरीका कर रही है, ये आपकी हुकूमत नहीं है, ये आपका थाना नहीं है, ये पूरी अपना यहाँ पे कचहरी है, ये आपका आपका तो इलाका नहीं है। आप अपने थाने को बंद करें, आप अपने चौकियां लगाए, ये आपने क्यों बंद किया? हमारी हमारी जगह हमें भी बंद कर देंगे, ठीक है, घर भी चले जाए, बंद कर दे कोर्ट को भी, कोर्ट में जो देखे आप जाके वो हमारे केस खराब कर रहे हैं। पुलिस कर दी नहीं चलेगी, पुलिस कर दी नहीं चलेगी। थोड़ा सा पीछे, आप सारे एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा पीछे, सारे बुकला हैं, बात सुने यार, अगर बंद किया हुआ ये बुकला रात को आने दो, खोलो ये बुकला रात को आने दो, खोलो आएंगे बुकला हजरात को आने दो भाई, हो सकता है इनकी वजह से काम जल्दी हो जाए, सिर्फ बुकला हजरात आएंगे, वकील साहबान आएंगे, किसी को मुश्किलात तो जी बहुत है, लेकिन जिस मकसद के लिए आए हैं हम उससे सब कुछ हम चाहते हैं पाकिस्तान की क्या कहते हैं बहाली और इलेक्शन और जितने जल्दी हो सके फ्री बात कर ले। देखें जी ये छोटी चीज है, हम तो आए थे सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए, वो प्रोटेस्ट हमने कर ली, अंदर जाने के लिए नहीं जाने दिया, ये पुलिस वाले समझते हैं कि ये उनकी बाप की जागीर है ये सारे इलाके, एनी हाउ पुलिस वाले या बाकी जो भी समझते हैं, इस प्रॉब्लम हमारी पुलिस की नहीं इतनी प्रॉब्लम जो है हमारे मुल्क में जो एक टोला फैसला कर रहा है इस मुल्क की तकदीर का, वो टोला जो है उसको अपना रवैया बदली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुल्क जो है ये आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा, ना कि एक बंदे की या एक कोटरी ऑफ पीपल कांट रन एंड दे कांट डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी नंबर वन प्रॉब्लम है कि अयूब खान के ज़माने से जब हमने बड़े बेस अमेरिकन को दी, उस वक्त से लेकर आज तक हम अमेरिकन हेजमनी के अंदर हैं। अमेरिकन ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है, अभी ये वक्त है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी रिव्यू करें और हम रिव्यू करें उसको अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए जी जो भी लोग हम मीटिंग हम करते हैं उसके बाद हमारी जो है जो भी हम फैसला करते हैं वो हम प्रेस के जरिए सारे पाकिस्तान को वो पैगाम देते हैं, और हमारे पैगाम जो है उसमें वजन है कि हमने इस मुल्क को बदते देखा है, हमने जब मुल्क बद रहा था और लोगों ने कुर्बानी दी थी इस मुल्क को बनाने के लिए, हम उस वक्त उस मूवमेंट के हिस्सा थे और हमने 65-71 जंग में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज हम इस मुल्क को इस तरह तबाह होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और जो भी हम कदम उठा सकते हैं इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, वो हमारा सबका फर्ज है कि हम अपना रोल जो है इस पर अदा करें। मैं तो कैप्टन रिटायर हुआ हूँ, कतर की जंग लड़ा हूँ, बात यह है कि एक सच्चे इंसान के सपोर्ट में आए हैं, पाकिस्तान को सच बोलने वाले चाहिए, मतलब ये झूठ मकार ये गड़बड़ ये तो बहुत हो चुका है, अल्लाह ताला रास्ता साफ कर रहा है, इस दफा कोर्ट्स ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अबाउट इलेक्शन एंड वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह बेहतर लोग आएंगे, बेहतर आवाम के सपोर्टर आएंगे, जिसके पीछे आवाम खड़ी है उसको आगे लाना चाहिए। तो पाकिस्तान बड़े क्रिटिकल मोमेंट में है, आप जैसे लोग आप सबने पाकिस्तान को संभालना है, कुछ लुटेरे लूट रहे हैं और हमें सबसे बड़ी खुशी है इमरान खान साहब की कि उन्होंने कौम बनाया,
75 साल में कोई कौम नहीं बना सका, इस आदमी ने 3-3.5 साल में कौम बनाया। पंजाबी, पठान, सिंधी, वो चीजें खत्म करके एक पाकिस्तानी बनाया। ये सच्चा इंसान है। मैं आपको ये क्लियर वर्ड में कहना था, अगर पाकिस्तान को बनाएगा ये आदमी बनाएगा, अगर हमारे कौम को बनाएगा ये आदमी बनाएगा, और अगर हमारे गरीबों की ये मुसीबतें हटाएगा तो इमरान खान हटाएगा। तो ये बेटा ये है, और दुआ करते हैं, कौम जाग गई है, बहुत खुशी की बात है, वो सोई हुई कौम नहीं है। हम कौम के साथ हैं, जो कौम चाहेगा हम चाहेंगे, हम उनमें से हैं, हम इनमें से नहीं हैं। हम वी सपोर्ट आवर पीपल। मेरा नाम रजा है, लेफ्टिंग कर्नल। जुल्म जहाँ भी हो रहा है ना, आपने क्या लाजमी करना होता है, इन कैटेगरी अल्लाह ने दी है, तो अभी ये ही कैटेगरी है जो हम अभी कर रहे हैं। जुल्म हुआ है, जुल्म के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, अब अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी साहब। आप सर, मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ हूँ, मेरा नाम सात खटक है, और मैं एक सियासी जमात को लीड करता हूँ, और ये मैंने अपना प्ले कार्ड भी बनाया हुआ है, और पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट आम आदमी की नुमाइंदगी के लिए मैदान में आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं आए हुए, बल्कि हम अपने पेटीपाल साथियों के लिए हक और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर उनके साथ यकजहती के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, और इंशाल्लाह हमारी जदोजहद उनकी आज़ादी तक, इंशाल्लाह वहाँ से निकलने तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। अपने पार्टी की तरफ से और अपने वेटरन्स की कम्यूनिटी की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं जनरल अब्दुल अजीज तारिक मीरानी हूँ और लैया से आया हूँ, और यहाँ पर जो हम और हमारे दोस्तों का इकट्ठा होने का जो मकसद है, वो हम इस जुल्म, नाइंसाफ़ी और फस्तायत के ख़िलाफ़ जो है वो हम एहतजाज कर रहे हैं, और उस शख्स के लिए कर रहे हैं, जनरल अमजद शोएब के लिए कर रहे हैं, जिसने अपने ज़िंदगी के 30-40 साल जो है इस मुल्क और कौम के लिए वक्फ किए, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग लड़ी हमारे दिफा के लिए, आज वो पाबंद सलासल है। मैं तो अपने कौम से भी ये अपील करूंगा कि उनको ऐसे लोगों के लिए निकलना चाहिए, वो हमारे हीरो हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है ना इस मुल्क का फिर दिफा कौन लोग करेंगे। जी हमायूं सद्दी वन कमांडो एक्स मेरा तल्लक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौम इस बात को समझे, और जो कौम को हम बताना चाहते हैं, ये रिम जिम चेंज, ये वो, ये सारी क्या चीज़ें हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्यों करना चाहते हैं और क्या होने वाला है। असल में यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया जाए, इसकी आर्मी को डिसॉल्व किया जाए। क्यों किया जाए? कि उनको ये पता है कि उम्मत मुस्लिमा का अगर दफा करेगा तो पाकिस्तान करेगा, एटमी कुव्वत पाकिस्तान है, तो इसको तोड़ो। जिस तरह लेबिया को तोड़ा गया, इराक तोड़ा गया, सीरिया को तोड़ा गया, जहाँ पर ये किया गया है, और वो खेल पाकिस्तान में खेलना चाहते थे, अवाम को और फौज को लड़ाना चाहते थे। 92 की बात है, जब रिजमी यूसुफ और एमल कैसी वाला कांसी वाला केस हुआ, तो वो आए, अमेरिकन आर्मी आई यहाँ पे कंबाइंड एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि आया इनकी फौज के अंदर वो चीज़ तलाश की जाए जिसके ऊपर पाकिस्तानी फौज को नाज है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो वो आए यहाँ से, मैं 3-4 साल लगातार देखता था कि वही फौजी अमेरिका के आते थे जो पिछले साल आए, फिर आए, वो पश्तो भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। तो मेरी जब उनसे डिस्कस हुई तो मैंने उसको नतीजा ये निकाला कि 95 में फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि फौजों की नौकरी बढ़ा दो, पेंशन कम करो, तो ये फौज के अंदर बगावत होगी, मुल्क टूटेगा, लड़ाई होगी। तो वो भी आपको पता है कि जब जनरल ज़हीर सलमान बासी पर लोगों पर केस बनाया गया था बगावत का, ये भी उसकी एक कड़ी थी, वो नहीं हुआ, सरसा मौड़ी बढ़ गई, फिर उन्होंने कम्यूट कम करना शुरू कर दिया, नहीं हुआ, और अभी उन्होंने ये रिम जिम वाला चेंज का खेल खेला है कि किसी तरह आवाम को और फौज को लड़ाओ, फौज का इत्माद उठ जाए। लेकिन ये वो काम है जो पाकिस्तान फौज के साथ, पाकिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 1-2-4 फौजी नहीं है, लेकिन जब जुल्म होगा, ज्यादती होगी, तो हम खड़े होंगे। लेकिन मुल्क को अगर टूटने से बचाना है तो फौज का साथ देना है। फौज कोई गैर कानूनी काम नहीं करती, फौज ने ही मुल्क को संभाला है। ये मुझे बताएं कि अयूब ने इस्लामाबाद बनाया, जितने डैम बने हुए हैं जाके देख लें, तख्तियां अयूब खान के दौर की लगी हैं, इन्होंने को बनाया है।
नीलम चलम बना खा तो मुशरफ के दौर में शुरू हुआ है तो उसके एंड के करीब ही वो पाया तकमील तक पहुंचा है। बादशाह हुआ है तो उसी के दौर में ही उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है। इन्होंने कौन से डैम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं तो अपना सरिया सीमेंट बेचने के लिए बनाई हैं, लेकिन हमने मुल्क का दफा किया है, कौम का दफा किया है और आइंदा भी करेंगे। और जनरल शोएब साहब के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी हो रही है उनको पाबंद सलात किया गया है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर अदालतें बैठी हैं वो देखें कि कौन सा ऐसा गद्दारी का या अवाम को उकसाने का उन्होंने एक जनरली बात की है कि ऐसा होगा, लेकिन ये हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जुल्म होगा तो हर कोई उठेगा, जुल्म को दबाया नहीं जा सकता। बस मुझे किसी से कोई कहना कुछ नहीं है, ना शिकायत है। ये तीसरा झूठा मुकदमा था मेरे खिलाफ और अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया, पहले भी सुरखरू होता रहा, तो इंशाल्लाह आइंदा भी मैं हाजिर हूँ। मेरी ज़िंदगी है इस मुल्क के लिए, मैंने ना कोई अहदा मांगा, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं आज दिन तक इमरान खान को मिला ही नहीं, इनमें से किसी से भी कभी नहीं मिला। तो जो बात करता हूँ वो सिर्फ इस मुल्क के लिए, जो मेरी एक 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 बूढ़े आदमी की जिसने ज़िंदगी पूरी गुजारी है, जंगें देखी, तो इस मुल्क की को बनते देखा, पार्टीशन देखी, उसके बाद तजर्बे की रोशनी में अगर आप किसी को कोई मशवरा या कोई बात करते हैं तो भलाई के लिए, ये नहीं कि उसको कोई जुर्म समझा जाए। अगर कोई उस मशवरे पर अमल करता है तो ये अच्छी बात है, ना करे तो मेरे मुझे कोई शिकवा नहीं है किसी से। मैं तजिया जब करता हूँ तजिया निगार की हैसियत से, तो वो सिर्फ मेरा तजिया होता है, उसमें से कोई क्या मतलब अखज करता है ये उसकी अपनी सवाल। जनरल साहब, आज़ादी इजहार राय का हक हर किसी को है, लेकिन इस पर फिर से मुकदमा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस्लामाबाद बार का मेंबर हूँ, मेरी बार ने मेरे साथ खड़े होके मेरा भरपूर साथ दिया है। मेरे बार के प्रेसिडेंट कैसर इमाम साहब, रियासत आज़ाद साहब, मैं मियाँ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लाहौर से तशरीफ लाए, और आज मेरी बार ने हक अदा किया है इस आइन और कानून का इस मुल्क के लिए, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल घड़ी में। मेरे ऑफिस के सारे लोग, कासिम वदूद साहब, ये सारों ने बहुत साथ दिया है, गाजी खान, तो बहुत नहीं, वो मेरे साथी हैं, मैं तो उस कबीले का हिस्सा हूँ, और मैं जो कुछ कहता हूँ, बात करता हूँ, मैं दर हकीकत उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। मैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, मैं उसका सदर हूँ 4 साल से, लिहाजा मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है रिटायर्ड लोगों का कि ये देखें ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे बताएं, तो मैंने उनको भी सेटिस्फाई करना है। सो मैं जो बात कहता हूँ दर हकीकत मेरी 100% बात नहीं होती, वो उन तमाम रिटायर्ड लोगों की होती है, उसमें जनरल अली कुली भी शामिल है। जिंदाबाद सोशल मीडिया, जिंदाबाद सोशल मीडिया, जिंदाबाद डिजिटल मीडिया, जिंदाबाद कमर में कन, जिंदाबाद। के आज मुअज्जिज़ अदालत में, ऑनरेबल कोर्ट में, हमने नीचे मजिस्टेरियल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक क्रिमिनल रिविजन फाइल की थी कि नीचे वाली मुअज्जिज़ अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है वो यकसा तौर पर, मुकम्मल तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी है, और कानून में इस तरह के जब हालात हों कि आप अपनी तमाम गुफ्तगू के मवाद को मनोअन तस्लीम करें और उसको कानून की रोशनी में देखा जाए, और मखसूस तौर पर पाकिस्तान के पीनल क्रिमिनल ऑफेंसेस, और मजीद मखसूस तौर पर जो दो जराइम जो सा है, जिसका कि आपने देखा कि वन सेक्शन 153A और दूसरा सेक्शन 505 जो सा है, उसको अगर बगौर जायजा लिया जाए तो नीचे वाले अदालत ने जो फैसला किया था वो खिलाफ कानून है। इसकी समाअत जो है वो आज सेशन कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल जो सा है वो की है, और डिटेल समाअत सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला इस वक्त अब जारी कर दिया, दस्तखत कर दिया है, और उसी फैसले के नतीजे में आपने देखा है कि इस वक्त हमारे मुअज्जिज जनरल अमजद शुएब साहब को मुकदमा मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया है। ये जो मुकदमा खारिज किया है ये बिल्कुल दलील है कि जो इस वक्त मुकदमा जनरल साहब के खिलाफ दर्ज किया गया था वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद था, वो किसी इंतहाई छोटे और गंदे दिमाग की इख्तरा थी, उसको अपनी जात की मनोअन जैसा दिल किया, कानून के बरक्स जाते हुए तशरी की, और नाजायज मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा, खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज किया, और इस वक्त अदालत ने
बाइज्जत तौर पर वो मुकदमा रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और वो खारिज कर दिया है। इससे पिछले माजी में अब तक जितने मुकदमात हो रहे हैं उसमें दलील मिलती है कि अब और जिस तरह हमारे जनरल अमजद शुएब साहब जैसे ऐसे तजर्बेकार लोग जो कि हमारी कौम के और मुल्क के बड़े लोग हैं, इनके तजर्बात से आप इस्तफादा करने की बजाय जो सा है इस तरह के घटिया इल्जाम लगाते हैं और इस तरह की अब मजीद जो सा है वो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि मजीद घटिया इकदाम से बात रहा जाएगा और कतई तौर पर भी इस तरह के बौंडे इल्जाम जो उनसे हैं, बेबुनियाद इल्जाम जो उनसे हैं, उसको दोहराया नहीं जाएगा। थैंक यू। बस मुझे किसी से कोई कहना कुछ नहीं है, ना शिकायत है। ये तीसरा झूठा मुकदमा था मेरे खिलाफ और अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया, पहले भी सुरखरू होता रहा, तो इंशाल्लाह आइंदा भी मैं हाजिर हूँ। मेरी जिंदगी है इस मुल्क के लिए, मैंने ना कोई ओहदा मांगा, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं आज दिन तक इमरान खान को मिला ही नहीं, इनमें से किसी से भी कभी नहीं मिला। तो जो बात करता हूँ वो सिर्फ इस मुल्क के लिए, जो मेरी एक 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 बूढ़े आदमी की जिसने ज़िंदगी पूरी गुजारी है, जंगें देखी, दो इस मुल्क की को बनते देखा, पार्टीशन देखी, उसके बाद तजर्बे की रोशनी में अगर आप किसी को कोई मशवरा या कोई बात करते हैं तो भलाई के लिए, ये नहीं कि उसको कोई जुर्म समझा जाए। अगर कोई उस मशवरे पे अमल करता है तो ये अच्छी बात है, ना करे तो मुझे कोई शिकवा नहीं है किसी से। मैं तजिया जब करता हूँ तजिया निगार की हैसियत से, तो वो सिर्फ मेरा तजिया होता है, उसमें से कोई क्या मतलब अखज़ करता है ये उसकी अपनी सवाब। वैसे तो ये ऐसा एक बहाना था उन्होंने ये करना। नहीं कोई अल्लाह, मैं आप एक बात कही, मैंने तो कोई जिद करने की कोशिश करता है उसकी भी बहुत सारी हमारे साथ उसने खैर है नहीं सर, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और माशाल्लाह अभी तक खड़ी है और आइंदा भी इंशाल्लाह, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, राइट साइड पे खड़े हैं।